आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। भोपाल से अगली बड़ी खबर हमें मिल रही है, जहां कल से बीजेपी का महासंपर्क अभियान शुरू होने जा रहा है। तो बीजेपी महासंपर्क अभियान चलाएगी चुनाव को लेकर, ये महासंपर्क अभियान, और भाजपा घर घर जाकर लोगों से संपर्क करेगी। तो महासंपर्क अभियान के तहत बीजेपी के कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करेंगे। हर विधानसभा में मास्क भेजे जा रहे हैं। इसी के साथ ही कमल के फूल वाले 10,000 मास्क जो कि हर विधानसभा में बीजेपी भेज रही है। और सीधे रुख करेंगे वैभव जी का। वैभव जी, क्योंकि इस बार समय थोड़ा सा परिवर्तित है, कोरोना संकट काल चल रहा है, और बिहार, अगर बिहार चुनाव की बात की जाए तो उसमें भी हमने देखा है कि हर पार्टी अपने अपने चुनाव चिन्ह को लेकर जनता के बीच में उतर रही है और उसी से रिलेटेड मास्क बांटे जा रहे हैं, और कुछ ऐसा ही मध्य प्रदेश के उपचुनाव में भी हमें देखने को मिलेगा। बीजेपी का महासंपर्क घर संपर्क अभियान की शुरुआत जो है कल से होने वाली है। इस अभियान के तहत सबसे पहले कमल के फूल के जो निशान होता है उस वाले मास्क बांटे जाएंगे। उसके बाद जब उपचुनाव की घोषणा हो जाएगी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के जो चेहरे वाले स्टिकर्स होते हैं, जो मास्क होते हैं, उनको भी बांटने का प्लान बीजेपी के द्वारा किया गया है। स्वयं सहायता समूह के द्वारा ये सभी मास्क बनाए जाएंगे। मास्क के दम पर या फिर ऐसा कह सकते हैं, इन मास्क की मदद से बीजेपी अपना चुनाव प्रचार करना चाहती है, प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचना चाहती है कि बीजेपी चाहती है कि जो 28 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर चुनाव होने हैं, वहां के प्रत्येक वोटर को बीजेपी ये मास्क दे, अगर बीजेपी मास्क देगी तो वोटर उस मास्क का भी उपयोग करेगा, भले ही कांग्रेस के कार्यकर्ता ना करें। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो आम लोग होते हैं, क्योंकि मास्क बेहद जरूरी है कोरोना काल में, अगर आपको कोरोना के संक्रमण से बचना है तो आपको मास्क का उपयोग करना होगा। आईसीएमआर की गाइडलाइन भी यही कहती है, WHO भी यही कह रहा है कि मास्क का उपयोग करते हैं तो 90% कोरोना के वायरस से बच सकते हैं, और बीजेपी इसी कोरोना के मदद से चुनाव में भी जाना चाहती है, और लोगों की, मतदाताओं की सेफ्टी का ख्याल भी बीजेपी के द्वारा रखा जा रहा है। इसलिए मास्क की मदद से बीजेपी अपनी जागरूकता भी करेगी, अपने प्रत्याशी का चुनाव प्रचार भी करेगी। कल से अभियान की शुरुआत होगी, महाजनसंपर्क अभियान कहा जा रहा है, जिसके तहत कार्यकर्ता घर घर जाकर संपर्क करेंगे। अच्छा, इसकी जिम्मेदारी वैभव जी किसे दी गई है? क्या तमाम जिला अध्यक्षों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है जहाँ जहाँ विधानसभा चुनाव होना है? और दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी जागरूकता दिखाने के लिए मास्क भेज रही है, संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उनके दिग्गजों को भी मास्क लगाना जरूरी होगा ताकि जनता को मैसेज दे सके। हाँ बिल्कुल, पीएम नरेंद्र मोदी ने जब भी जनता को संबोधित किया है, चाहे वो मन की बात हो चाहे अन्य जो सार्वजनिक कार्यक्रम होते हैं, वो आमतौर पर मास्क लगाए हुए नजर आते हैं। उन्होंने कहा था मास्क नहीं लगाए तो गमछा लगाइए, लेकिन कोविड से बचने के लिए मास्क का उपयोग कीजिए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी मास्क का इस्तेमाल करें, इसकी सलाह भी पीएम मोदी ने सभी मंत्रियों से कही थी, सभी विधायकों से कही थी, सभी बीजेपी के बड़े नेताओं से कही थी। इसके साथ ही जो आपका सवाल था कि अभियान की जिम्मेदारी, अभियान की जिम्मेदारी सभी जिलाध्यक्षों के पास भी है, प्रदेश अध्यक्ष के पास भी है, और सबको जिम्मेदारी का हस्तांतरण किस तरह से वितरण कर दिया गया है कि आपकी जिम्मेदारी लोगों तक बात करनी है, आपको लोगों तक पहुंचना है, सबकी जिम्मेदारी अलग अलग है। हम देखते हैं कि जिस तरह से बीजेपी चुनाव में जाती है, रणनीति बनाकर काम करती है, तो उसी रणनीति के साथ से बीजेपी इस बार भी काम करती हुई नजर आएगी। अच्छा, कांग्रेस की रणनीति का पता चल पाएगा वैभव जी? क्योंकि बीजेपी तो महासंपर्क अभियान चला रही है, मास्क बांटेगी, कांग्रेस क्या रणनीति अपना रही है? आज सबसे पहले कांग्रेस को अपने जो प्रत्याशी हैं उनके नामों की घोषणा करनी होगी। 15 सीटों पर हालांकि नामों की घोषणा हो चुकी है, जल्द ही जो अन्य सीटें हैं उस पर भी नामों की घोषणा कर दी जाएगी, और इसके साथ ही बीजेपी के द्वारा कोशिश की जा रही है हम इसी पर भी की जनता के बीच में जाए, उनके प्रत्याशी पहुंचते हैं, और कांग्रेस के द्वारा भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से कोशिश की जा रही है कि जनता के बीच में जाए, बताएं कि बीजेपी के द्वारा क्या किया गया, किस तरह सत्ता प्रकट किया गया। तो दोनों ही पार्टियों ने रणनीति बनाकर काम करने की शुरुआत कर दी है, जहाँ बीजेपी घर घर संपर्क अभियान चला रही है, वही कांग्रेस वर्चुअल तरीके से मतदाता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल, और उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने कंधों पर ले रखी है। बहरहाल, बीजेपी महासंपर्क अभियान कल से शुरू करने जा रही है। 10,000 कमल के चिन्ह वाले मास्क हर विधानसभा क्षेत्र में भेजे गए हैं, और इस मास्क के जरिए ही जनता को जागरूक भी किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही अपने पक्ष में उन मतदाताओं, उन वोटर्स को करने की कोशिश भी बीजेपी की तरफ से की जा रही है।